गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास UKG, सब्जेक्ट इंग्लिश। टुडे इज योर टॉपिक इज यूज ऑफ ही एंड शी। ही एंड शी का यूज पहले भी मैंने आपको समझाया हुआ है, फिर से आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है। ही का यूज कहाँ होता है, जहाँ बॉय के लिए होता है, और शी का यूज कहाँ होता है, जहाँ गर्ल के लिए होता है। गर्ल्स के लिए शी और बॉयज के लिए ही, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे, सब बच्चे सबसे पहले सेंटेंसेस लिखेंगे। नंबर वन डालिए, लिखिए टी एच आर एस, दिस आई एस इज डी ई बी दे, फर्स्ट ऑफ। नेक्स्ट लाइन में डैश बनाकर आई एस इज अ बी ओ वाई बॉय, फर्स्ट ऑफ। फिर सेकेंड नंबर डालेंगे पी आर आई वाई ए प्रिया, आई एस इज अ एस आई एन जी ई आर सिंगा। नीचे नेक्स्ट लाइन में डैश बनाकर थ्री लाइन पर आई एस इज अ जी आई आर एन गर्ल, फर्स्ट रो। ये सेंटेंसेस आपको सेप से ही लिखने हैं, पेरेंट्स से नहीं लिखवाने, ओके। अब तीन नंबर पर लिखेंगे टी एच आई एस, दिस आई एस इज अ एन ई एच ए नेम। नेक्स्ट लाइन में डैश बनाकर आई एस इज अ पी आई एल ओ टी पायलट। फिर फोन नंबर डाल के एस ए एम ए आर समर, आई एस इज अ पी एल ए वाई ई आर प्लेयर। नेक्स्ट लाइन में डैश बना के आई एस इज अ बी ओ वाई बॉय, फर्स्ट ऑफ। अब स्टार्ट करें, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बॉय के लिए ई और गर्ल के लिए This is Dev, dash is a boy. Boy है तो यहाँ पर क्या आएगा, एच ई ई आएगा, यहाँ पर ई का यूज होगा। लिखिए एच ई ई। नेक्स्ट है प्रिया इज अ सिंगर, डैश इज अ गर्ल, तो यहाँ पर क्या आया, गर्ल है, गर्ल के लिए ई का यूज होता है। गर्ल्स के लिए किसका यूज होता है, शी का यूज होता है। तो अब लिखिए एस एच ई, एस एच ई शी। फिर थ्री नंबर पर देखिए दिस इज नेहा, डैश इज अ पायलट। नेहा कौन है, पायलट है। और नेहा कौन है, बॉय है या गर्ल है, नेहा गर्ल है। गर्ल्स का नेम ही होता है ना नेहा, बॉय तो नहीं होते, ओके। अब फिर अगर ये गर्ल है तो यहाँ क्या लिखेंगे, शी एस एच ई शी। नेक्स्ट है एस एम ए आर समर इज अ प्लेयर, समर प्लेयर है, डैश इज अ बॉय। समर कौन है, बॉय, तो इसके लिए किसका यूज होगा, समर के बॉय है तो ही का यूज होगा या शी का। समर के लिए एच ही का यूज होगा क्योंकि ये बॉय है। एच ई ही, ओके। बस आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, अगर बॉय आ जाए तो ही और गर्ल आ जाए तो शी। एच ई ही और एस एच ई शी, ही का यूज़ बॉय के लिए और शी का यूज़ गर्ल्स के लिए।